हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, उनके जीवन परिचय के बारे में हम देखेंगे और उनकी पढ़ाई। वो दक्षिण अफ्रीका गए और जो गांधी युग, जिस युग को कहा जाता है, वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ गुजरात के पोरबंदर गांव में। ठीक है, और देखिए उनका यहाँ पे उनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यह है उनका पूरा नाम। और देखिए उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1998 को हुई। ठीक है, किसके द्वारा हुई? नाथूराम गोडसे ने किया हुआ। ठीक है, उनके द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, 30 जनवरी 1998 को। देखिए उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने हैं अपने नाम के बाद मोहनदास करमचंद अपने पिताजी का नाम जोड़ दिया था। ठीक है, अब देखते हैं उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा बाई गांधी। ठीक है, जिनका विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ये महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ। ठीक है, उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1998। ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और उनकी माता पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई गांधी, जिनसे उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है, अब उनकी पढ़ाई देखते हैं। उनकी निजी जो पढ़ाई है वो वहीं पे हुआ था पोरबंदर में, और वो पेरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। तो उनकी पढ़ाई ये मेन है कि महात्मा गांधी ने जो है पेरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ की? तो उन्होंने इंग्लैंड में की। ठीक है, और किस सन में उन्होंने इस पढ़ाई को कंप्लीट किया? 1889 से 1891 तक। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं। देखिए उसके बाद जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, जस्ट उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वो इंग्लैंड से वापस आते हैं, फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए। देखिए 1893 में मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला जी के आमंत्रण पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए वो? 1893 में मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला जी के आमंत्रण पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, ये आपको याद हो गया। और ये देखिए डरबन से त्रिटोरिया, जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहाँ पे डरबन से त्रिटोरिया के बीच मेरिन्स बर्ड में रेल कांड हुआ। ठीक है, जहाँ वो जा रहे थे तो त्रिटोरिया और डरबन दोनों के बीच में मेरिन्स बर्ड रेल कांड हुआ था, जहाँ उन्हें रेल से प्रथम श्रेणी रेल से उतार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर गोरे काले का भेद, ठीक है, गोरे काले के भेद के कारण उन्हें जो है प्रथम श्रेणी से रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि रेल कांड कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, तो गोरे काले भेद के कारण हुआ था। ठीक है, अब देखिए उनके द्वारा जो स्थापना उनके द्वारा जो किया गया है तो 1894 में, ठीक है, 1893 में जस्ट वो दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है, मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला जी के आमंत्रण पर, और 1894 में, ठीक है, 1894 में
नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये जो सारे स्थापना जो भी हैं ये सब दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की, ठीक है। और देखिए 94 के बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की, ठीक है। किस अखबार की स्थापना की? 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए 1904 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? 1904 में, ठीक है। और देखिए 1906 प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। प्रथम सत्याग्रह वहाँ पे उन्होंने किया, तो सत्य अहिंसा के आधार पर उन्होंने जो है प्रथम सत्याग्रह 1906 में किया, ठीक है। 1909 में देखिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने जो है 1909 में किस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने किस सन में की? 1904 में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में जो है उनके जीवन का जो है प्रथम सत्याग्रह, उनके पूरे जीवन काल का जो है प्रथम सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया सत्य अहिंसा के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी युग, ठीक है। गांधी युग 1971 से 1947 तक, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये 1917 है, ठीक है। ये 1917 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको अच्छे से देखिएगा तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, ठीक है। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आए और यह समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, ठीक है। और 9 जनवरी को हमारे देश में अप्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है महात्मा गांधी भारत आए थे, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है के रूप में उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपनाया था, ठीक है। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। 1916 में उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की? साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने 1916 में गुजरात में की, ठीक है। साबरमती आश्रम से उन्होंने जो है दांडी यात्रा की थी, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, यहाँ से हो गए थे। और देखिए महात्मा गांधी जी को जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो है भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा, ठीक है। अंग्रेजी सेना में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भर्ती होने के लिए कहा, इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह, देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, उनका प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का कहा जाता है। देखिए तीनकठिया प्रणाली के विरोध में किया, ठीक है। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया वो तीनकठिया प्रणाली के विरोध में किया, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने जो चंपारण बिहार के स्थानीय नेता थे, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया तथा उनके आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण गए और तीनकठिया प्रणाली को रोकने में सफल हुए, ठीक है। तीनकठिया प्रणाली को जो है चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो है महात्मा गांधी ने रोका, ठीक है। तीनकठिया प्रणाली क्या है देखते हैं। इसका अर्थ है 20 कट्ठे की ज़मीन में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना, ठीक है। जितनी भी उपजाऊ ज़मीन हो नील की खेती करने से वो जो है बंजर ज़मीन हो जाती थी, ठीक है, उसकी जो है उपजाऊ समाप्त हो जाती थी, इसीलिए जो है उन्होंने नील की खेती का विरोध किया, ठीक है। महात्मा गांधी की उपाधि देखिए किसने दिया? महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि दी। देखिए चंपारण सत्याग्रह को
भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए महात्मा गांधी, यहाँ से पढ़ते हैं, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया, जिसमें मजदूरों को बोनस नहीं दिया जा रहा था। इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल किया, और भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल किया। ठीक है, देखिए 1918 में खेड़ा आंदोलन किया। ठीक है, प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे किसानों की लगान के लिए। किसानों से जो लगान लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसमें जो है उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया और किसानों की सहायता की, जिसमें प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे। आंदोलन का जो घटनाक्रम है उसे हम देखेंगे, जो महात्मा गांधी द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, क्या देखेंगे हम? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया स्वतंत्रता आंदोलन का घटनाक्रम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिफरेंसेस, ट्रिक देखेंगे इसमें। तो इसमें जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनके घटनाक्रम को याद करेंगे और अच्छे से रटेंगे, ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, आप इसको समझिए अच्छे से। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे असहनीय चोरों को सभी ने डंडा से मारा। ठीक है, असहनीय चोर जो थे उनको सभी ने जो है पकड़कर डंडा से मारा। ठीक है, और उनसे काम करवा कर, देखिए क्या काम करवाया, नमक बनवा कर भारत में छोड़ा। फिर उन्होंने उनसे नमक बनवाया, फिर उसके बाद जो है उसे छोड़ दिया भारत में। ठीक है, एक बार फिर देखिए, असहनीय चोरों को सभी ने डंडा से मारा, नमक बनवा कर भारत में छोड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर असहनीय से है असहयोग आंदोलन, जो 1920 में लड़ा गया। ठीक है, और चोरों से है चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये 1922। ठीक है, अब देखिए सभी, सभी से है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, जो 1930 में हुआ। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, ठीक है, 1930, ये तीनों एक ही हैं। तो ये तीनों एक ही हैं, डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब देखिए भारत में छोड़ा, भारत में छोड़ा से है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। ठीक है, इसमें प्लस 10 करने से हो रहा है आपका ये प्लस 30। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1922 में यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आप 20 जोड़िए। ठीक है, 20 तो कितना हो गया 42। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो भारत छोड़ा से है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में चलाया गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, आगे बढ़ते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन द्वारा देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी कपड़ों को का यूज़ जो है उसे बंद किया गया था, और पदवी उपाधि का बहिष्कार। ठीक है, जो पद दिए गए थे भारत के जो नागरिकों को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनको भी जितने भी थे उनको जो उपाधि दिए गए थे विदेशों द्वारा, ठीक है, तो उसका जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और एक देखिए, और इसी के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी को केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसे उन्होंने त्याग कर दिया था। ठीक है, केसरे हिंद। तो अब देखिए छुआछूत और शराबबंदी, जो छुआछूत जो मानते थे उसको, और जो शराब जो है उसको बंद करवाने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। और देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम को जो है एकत्रित किया गया
एकता बढ़ाने के लिए कहा गया। और इन सब जो है जो आंदोलन चलाया गया इसमें खर्च कहाँ से हुआ, इसमें खर्च जो है एक फंड बनाया गया तिलक स्वराज फंड, उसमें जो है 1 करोड़ रुपए ठीक है जमा किए गए, जिसमें सभी सभी से पैसे लिए गए थे, उसे एकत्र किया गया। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड से खर्च किया गया था ठीक है 1921 में, ठीक है 1920-1921 ठीक है। अब देखिए हमारा क्या था, चोरों असहनीय चोरों ठीक है, चौरा चौरी कांड, वो कब हुआ 5 फरवरी 1922 में ठीक है। असहयोग आंदोलन ये आंदोलन चल रहा था, फिर उसके बाद जो है 5 फरवरी, यहाँ पे देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है आंदोलनकारियों की भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को जिंदा जला दिया ठीक है। आक्रोश में आकर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन जो था उसके अंदर 22 पुलिस थे ठीक है, तो उसको जो है उन्होंने जिंदा जला दिया सबको ठीक है। परिणाम क्या हुआ उसका, परिणाम देखिए चौरी चौरा कांड का परिणाम क्या है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया ठीक है। इस कांड से बहुत प्रभावित हुआ असहयोग आंदोलन ठीक है, तो महात्मा गांधी ने उसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दांडी मार्च ठीक है, दांडी मार्च सभी ने ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के अंतर्गत आता है, दांडी मार्च इसी के अंतर्गत आता है, और जो नमक कानून है नमक यात्रा वो भी जो है इसी के अंतर्गत आता है ठीक है। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह था जिसमें गांधी समेत जो है 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से ठीक है समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 390 किलोमीटर की ठीक है पैदल यात्रा की गई, और वहां पर जो है नमक बनाया गया ठीक है। कब कहां पे देखिए 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से ठीक है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से कहाँ समुद्र तटीय गांव, समुद्र के तट पे जो गांव दांडी है वहाँ तक पैदल यात्रा करके नमक जो है बनाया गया ठीक है। और ये कब शुरू किया गया, 12 मार्च को किया गया, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी स्थान पर नमक बनाया ठीक है, वहाँ तक पहुँचे 6 अप्रैल को। और दांडी स्थान देखिए समुद्र तटीय, समुद्र के तट पर जो है ये गांव है दांडी, वहाँ पर नमक बनाया ठीक है। और इसका जो दांडी मार्च का कारण क्या था, दांडी मार्च का कारण ये था कि 1930 में जो है अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर कर लगाया गया ठीक है, 1930 में अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर कर लगाया गया, इसलिए महात्मा गांधी ने स्वयं नमक बनाने के लिए जो है दांडी मार्च किया, और उसमें जो है 78 लोगों ने उनका सहायता किया ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है, नमक बनवा कर भारत में छोड़ा ठीक है, जो कब किया गया देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त को 1942 को शुरू किया गया था ठीक है, 8 अगस्त को है शुरू किया गया था, और वो दौर कौन सा था द्वितीय विश्व युद्ध का ठीक है, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना ठीक है। और यह आंदोलन जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था ठीक है, शुरू कहाँ गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में ठीक है, मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। और इसे जो है 8 अगस्त 1942 को जो है अगस्त क्रांति भी कहते हैं ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो अगस्त क्रांति किसे कहते हैं, तो 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं ठीक है। और महात्मा गांधी ने जो है यहीं पे एक नारा दिया था, वो नारा कौन सा है देखिए, करो या मरो का नारा दिया था ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन, वो कब किया गया 8 अगस्त 1942 को ठीक है।